लेकिन सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह नहीं है कि आपके ऊपर मालिक की तरह राज करे। सरकार का काम है कि आपके प्रति सेवा भाव के रूप में कार्य करे और आपकी जिंदगी को सरल बनाए। ये सरकार का काम होना चाहिए। और अगर सरकार, ओम जी, और क्या उसमें चूक रही है, तो ये एक बुजुर्ग होने के नाते भी आपका दायित्व है कि उस सरकार को आप सचेत करो, चाहे मेरी सरकार हो या किसी और की सरकार। और अगर मेरी भी सरकार हो, अगर आप मुझे सचेत कर रहे हो, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपकी दुर्भावना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपके इरादे गलत हैं। उल्टा, मैं आपका उत्साह वर्धन करूंगा और आपकी जिंदगी को सरल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी बात को सुनकर, यह हमारा दायित्व है। कठिनाई हो जाता है कि जब हम लोग के सिर के ऊपर लाल बत्ती मंडराने लगती है, हमको लगता है कि जैसे हम लोग स्वर्ग पहुंचे हैं। और इसलिए 8-9 साल जब मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, आप लोगों ने गुना में देखा है, आपके बीच में मैं जब जब रहा, मेरी गाड़ी पे कभी लाल बत्ती नहीं। क्योंकि मनुष्य को भी उसी तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए जैसे पूर्ण जीवन जी पाए। ये चीजें तो आएंगी और जाएंगी, इनके साथ मोह कभी मत रखना। अगर मोह रखना है तो अपने जनता के साथ रखो, अपने परिजनों के साथ रखो, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रखो, क्योंकि ये रिश्ता सदैव रहेगा, ना कभी जाएगा ना कभी कोई इस पर हस्तक्षेप करेगा। अब आए हम काम की बात पर, नहीं तो यहां सब मंचा से लोग कहेंगे हमने तो बुलाया था अपने जीवन को सरल करने, इन्होंने तो अध्यात्म की चर्चा करनी। कई मुद्दे वीरेंद्र जी ने रखे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं अभी। और जो लीज की नवीनीकरण की बात की है, गोडाउन के ऊपर ऑफिस की परमिशन की बात की है, जैसे करौद और सीहोर में दिया गया है लाइसेंस आजीवन करने का प्रावधान, 19/4 की जो 5 गुना पेनल्टी है, 24% की दर से ब्याज की कोई कठिनाई नहीं है, पर 19/4 का मुद्दा है। और ये 2 लाख का भुगतान का मुद्दा है। ये 4 मुद्दे जो हैं, इस पर मैं कृषि मंत्री से जरूर चर्चा करूंगा। 5वां मुद्दा जो है, ये मध्य प्रदेश के अधीन नहीं आता, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, क्योंकि ये आयकर विभाग का मुद्दा है। जो केंद्र इनकम टैक्स जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक ओम जी के अलावा आप लोग सब सरकार को बदल के ना रखें। तो ये रहा जो वीरेंद्र जी ने कहा है मुझे, इस पर मैं तहकीकात करके वापस आऊंगा। थोड़ा आपसे और गोपाल जी से और ओम जी से मैं थोड़ा समझ भी लूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा, हमारे एक वक्ता जो यहां आए थे, या गोपाल जी ने कहा था कि साहब ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है सरकार के द्वारा, हाँ गोपाल जी ने कहा था कि एक नियम लगाया जाता है उसके ऊपर दूसरा नियम लगाया जाता है, और आप इसमें ना अटको तो उसमें अटक जाते हो। मैंने गोपाल जी, जब मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री था केंद्र सरकार में, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू की। उस प्रोजेक्ट का मकसद था कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है किसी भी व्यापारी के, और हमने देश के 9 वर्टिकल चुने जो जहां सबसे ज्यादा व्यापार होता है,
लेदर केमिकल्स ऐसे 5-6 और वर्टिकल्स थे, गारमेंट्स और इन 9 वर्टिकल्स में हर व्यापारी संघ को, राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी संघ को, लेदर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को, उनके संगठन के लोगों को मैंने इस कमिटी में मेरे साथ रखा और हमने पूरे प्रोसेस को मैप किया। जब आपका उत्पादन आपके फैक्ट्री से निकलता है, वहां से उपभोक्ता के हाथ तक पहुंचने तक, और कहां कहां आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दो तरीके। एक, जहां खर्चा आपका होता है बार बार, जैसे उदाहरण के तौर पे आप निकालिए ई अनुज्ञा एंट्री एग्जिट पॉइंट का, जो भी बार बार आपका टैक्स होता है, जैसे उस समय में जब जीएसटी नहीं था, जब ट्रक्स एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, अलग लेवल ऑफ टैक्सेस। और दूसरा, टाइम के आधार पर, क्योंकि व्यापारी के लिए टाइम भी पैसा होता है। अगर किसी परमिशन के लिए आपको 15 दिन इंतजार करना पड़ रहा है, वो 15 दिन का कॉस्ट होता है आपके, क्योंकि इन्वेंट्री बैठी हुई है और बैठी हुई इन्वेंट्री का कॉस्ट होता है। तो हमने हर प्रोडक्शन प्रोसेस को मैप किया और जहां जहां उन 9 वर्टिकल्स की को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, चार्जेस के आधार पर या टाइम के आधार पर, उन मंत्रालयों से मैंने एक बात की, कहीं पर्यावरण, कहीं सिविल एविएशन, कहीं वित्त मंत्रालय, प्रणब मुखर्जी के, मुखर्जी साहब के साथ बैठकर, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, उनके साथ बैठकर एक एक पॉइंट पर, और हमने कई प्रावधानों को खत्म किया, सरलता हम लेके आए और उसका हमने मोनेटाइजेशन किया कि कितना बचत होगा व्यापारी को। टाइम अगर है तो टाइम का भी हमने कॉस्ट लगाया, और कुल मिलाकर इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशिएटिव, रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशिएटिव में 9 वर्टिकल के जरिए हमने इन 9 वर्टिकल्स की इंडस्ट्रीज के लिए कुल मिलाकर 4,500 करोड़ का ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करके छोड़ दिया। ये मेरे कार्यकाल में जब कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, कुछ ऐसे ही हमको मध्य प्रदेश में करना, जहां केवल आपको नहीं, मंडी व्यापारी को नहीं, लेकिन अनेक व्यापारी, जहां टाइम और कॉस्ट का बोझ आपके ऊपर पड़ता है। रमेश जी गल बैठे हुए हैं, वे भी अच्छी तरह से समझते हैं, उन सब अड़चनों को हमें हटाना और उसमें ये सब सम्मिलित हो जाएंगे। नीलामी अनुज्ञ, वैसे मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार आज अनिवार्य हो गया, विश्व पूरा विश्व इसकी तरफ ही जा रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिजिकल ट्रेड, फिजिकल सेटलमेंट अब अतीत की बात हो रही है, धीरे धीरे हर एक इंडस्ट्री वो हमको कृषि के क्षेत्र में भी लाना है, लेकिन उसके आधार पर सरलता आपके लिए हो लेकिन कठिनाई भी ना हो। और इसमें मैं आपको कहूं, सबसे बड़ा परिवर्तन जो किसी भी सरकार को लाना होगा वो मानसिकता का परिवर्तन। सरकार का दायित्व तो होना चाहिए कि जनता पर हम विश्वास करें, और अगर किसी ने विश्वासघात किया तब उनके ऊपर पत्थर के समान टूट जाए। पर कठिनाई यह है कि आज जो सरकार है केंद्र में, वो सबके प्रति
अविश्वास की चश्मे से देखती है कि ये तो चोर होगा ही, वो तो चोर होगा ही, आप भी चोर होंगे ही, इसलिए आईटी आएगी आपके यहां, आपसे किताब मांगेगी, आपको परेशान करेगी। तो जो व्यक्ति अच्छा भी हो वो भी बुरा होगा। ये मानसिकता बदलनी है, ये लॉ का प्रॉब्लम नहीं है। जो इनकम टैक्स का लॉ है प्रावधान, उसको वैसे ही रखने दो, उसका क्रियान्वयन में परिवर्तन लाना। इनकम टैक्स को आपको व्यापारी को, मंडी व्यापारी केवल नहीं, सारे व्यापारी देश हमको वैल्यू करना होगा एक पूंजी के रूप में देश। अगर एक पूंजी की दृष्टि, पूंजी के रूप में पूंजी का दृष्टिकोण आपके प्रति हम लोग रखेंगे, हम लोग मतलब इनकम टैक्स, तो फिर जहां आपकी कठिनाई है वहां हम सरलता लाएंगे, जहां किसी ने चोरी की वहां उसको सख्त सजा देंगे। लेकिन अगर हमारी दृष्टिकोण होगी कि ये सारे चोर, तो फिर हिटलर शाही आ जाएगी, वो तो आ गई है देश, सॉरी ओम जी, बीजेपी समर्थन नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आप बीजेपी के समर्थन, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो आप ही कह रहे हैं, मैंने कुछ आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा कि आप संकोच करते हो विरोध करने का, चाहे वो कांग्रेस का विरोध करना हो या बीजेपी का विरोध करना हो। मैं आपको कह रहा हूं और आपको मैं ऊर्जा दे रहा हूं कि संकोच मत करो, नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है, जहां आपका दुख वहां हमको खड़ा होना होगा आपकी सेवा करने के लिए, ये हम लोगों का काम है। तो ये परिवर्तन हमें लाना होगा। अब पिछले 5 साल में क्या हाल हुआ है, ये रतन सोनी जी बैठे हैं, सोनकर समाज के ऊपर इतना बड़ा डंडा डाली, पूरे सोने के व्यापारी मुंबई से सड़क पे निकल चले, 2.5 लाख लोग दिल्ली में एकत्र थे, टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स के ऑफिसर को उनके सिर के ऊपर डाल दिया, आज जीएसटी के आधार पर क्या होगा, 37 फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं, आप अपना व्यापार संभालोगे या कंप्यूटर के सिर के ऊपर बैठ के 37 फॉर्म फिल करोगे, और जब 37 फॉर्म फिल भी करते हो तो जो सरकार की इंटरनेट की बैकबोन है वो ठप हो जाती है, और अगर वो ठप हो जाए तो सरकार कहती है हमारी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, और अब आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, सही है कि नहीं। और नोटबंदी की बात गोपाल जी ने कहा, कभी देखा है किसी देश में, आप लोग जानते हैं मुझसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कैसी चलती है, जरा ओम जी पॉकेट में एक नोट है आपके पास, मैं वापस दे दूंगा, ये नोट के आधार पर अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। अर्थव्यवस्था चलती है कि ये एक नोट कितने हाथों में जाएगा एक दिन, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में वेलोसिटी ऑफ मनी, कि कितने बार ये नोट कितने हाथों में जाएगा, इनके हाथ में, फिर इनके हाथ में, फिर इनके हाथ में, फिर उनके हाथ में, फिर उनके हाथ में, फिर उनके हाथ में, उससे व्यापार बढ़ता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी। और इन्होंने क्या किया नोटबंदी में, भारत की करेंसी 82%
करेंसी एक ऑर्डर से पूरे सिस्टम से जब्त कर दी। 86% मतलब कि भारत की इकोनॉमी में केवल 14% करेंसी रह गई। तो जो वेलोसिटी ऑफ मनी 15 दिसंबर 44 लाख करोड़ की नोट्स की के आधार पर इकोनॉमी में होती थी, उसकी 86% खींच के, जैसे घर में हम लोग क्या कहते हैं वो हुआ चलाते ना, हाँ हुआ चलाते जो धूल को सक कर देता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह, मोदी जी वैक्यूम क्लीनर की तरह उन्होंने 86% राशि निकाल दी। तो कहां से व्यापार होगा, कहां से ट्रेड होगा? ये तो आप कह रहे हो कि गाड़ी चल रही है और उसके अंदर जो तेल जाता है ना पिस्टन को ग्रीस करने के लिए, वो सारा तेल पिस्टन का निकाल दो, क्या होगा इंजन को? चोक नहीं हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट, क्योंकि वो ग्रीस नहीं है पिस्टन का ये करने के लिए। मोदी जी तो पीएमओ में बैठे हैं और आपको ड्राई सिस्टम के साथ ये करा रहे हैं, कहां से होगा भाई? मैं गुना में मैं मार्केट में गया, ठेला वाला, ठेला आप लोगों की बात छोड़ दीजिए, ठेला वाला कह रहा है सिंधिया जी मैं सब्जी कैसे बेचू? मैंने कहा क्यों? ठेला वाला मुझे कह रहा है कि उपभोक्ता आ रहा है मेरे पास 100 रुपया की सब्जी खरीद रहा है, मेरे पास छुट्टा नहीं है देने के लिए, तो मैं मुझे कहना पड़ता है कि आप जाइए। ये ठेले वाले किसे की कर दिए, बड़े व्यापारियों की बात छोड़ दी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर भारत के अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पर हमें पहुंचाना है तो बौद्धिक क्षमता के लोगों को हमें भारत की अर्थव्यवस्था मैनेज करने की स्वतंत्रता हमको देनी होगी। अगर हम समझे कि हमें संभालें, सारे जो ये मंच पर बैठे हुए लोग हैं इनको मंडी के बारे में कुछ नहीं मालूम, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभालू, क्यों? क्योंकि मैं कृषि मंत्री हूं। तो ये याद हो, और दूसरी बात विचारधारा, अगर हम सोचे कि सारी विद्या हमारे पास है, गोपाल जी मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, वीरेंद्र जी मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, ओम जी मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, इनके पास अनुभव है, इनके बाल ऐसे सफेद नहीं हूं मैं, 40-50 साल का अनुभव है इनके पास, हम जैसे लोगों को इनसे सीखना होगा तभी हम लोग मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। तो अपना दिमाग खुला रखो, अपने कान खुले रखो और अपने आंख खुले रखो, और जो लोग कहते हैं उनकी बात को सुनो, समझो, और समझने के बाद ही अपना मुंह खोलो। हम नेताओं की बहुत आदत हो जाती है कि माइक दे दिया, मंच दे दिया, ऐसा गाड़ी चलती रहती है जैसे कि पेट्रोल डाला ही जा रहा है, बंद नहीं होता। इसलिए मैंने ओम जी को कहा आते ही कि ओम जी ऐसे लोगों को मंच से बुलवाइए जिनकी बात मैंने कभी नहीं सुनी, ताकि आपकी बात मैं समझ पाऊं। और इसलिए मैंने पहली चीज कहा कि अभी भी मुझे सीखना पड़ेगा इन तीनों के थ्रू कि क्या कठिनाई है, मैं समझ लू तब उसका समाधान मिल जाऊंगा। आखिरी बात, आशीष जी ने कहा था ये पुरानी गली बनी, आशीष जी कहां है? आशीष जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये पुरानी गली मंडी और सब्जी मंडी, इसमें मैं सब्जी मंडी भी ऐड करूंगा, इतनी बुरी स्थिति है, जब आप मेरे पास बैठे थे
मैंने आपको बताया परिस्थिति ये हो गई है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। नगर पालिका कहती है हमारा नहीं है, हम क्यों करें। मंडी कहती है हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे करें। एक कहता है हम क्यों करें, दूसरा कहता है कैसे करें, और बेहाल हो जाते हैं ये लोग। मैंने कलेक्टर साहब को कल रात को 2:45 बजे सॉरी आज सुबह 2:45 बजे मैंने आदेशित किया है कि मेरे नेक्स्ट गुना विजिट के पहले मुझे इससे कोई चिंता नहीं कि कौन साफ करेगा कौन नहीं करेगा कौन जिम्मेदारी लेगा। कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है कि मेरे नेक्स्ट गुना के दौरे के पहले जो मैं आने वाला हूं 5, 6, 7 तारीख को, 1 तारीख से रोज ये पुरानी मंडी और सब्जी मंडी दोनों मुझे साफ सुथर चाहिए, और बड़े बड़े वहां गार्बेज के कैन लगने चाहिए ताकि जो भी कचरा है वो कचरे के डब्बे में जाए। आज कचरा जो है सड़क पे छोड़ा जाता है, और इसमें जिम्मेदारी हम सबको भी लेनी होगी, सबको वहां समझाना होगा कि आपको जगह दिया गया है इसका मतलब नहीं कि आप वहां कचरा करो। जब आप उठ के जाओगे तो जो भी आपका कचरा है वो है डस्टबिन, उसमें डाल के जाओ। और मैंने कलेक्टर साहब को साफ साफ निर्देशित कर दिया कि 1 तारीख से, कलेक्टर साहब ने भी मुझे कहा है कि 1 तारीख से रोज डबल सिस्टम होगा, सुबह सफाई और शाम को सफाई, और अगर नहीं हुआ तो आप आके मुझे बताइए। ठीक है आशीष जी। दूसरा बोला इन्होंने गाय की परेशानी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गाय की परेशानी है ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो गौरक्षक कहां गए। ओम जी आप मत कहिएगा, बात तो इतने करते हैं, गौरक्षा पीटो मारो, लेकिन बिचारी गौ माता सड़कों में हजारों की तादाद में चल रही है और गौरक्षक कैंटीन नहीं सो रहे, कोई नहीं आता देखने के लिए, कोई नहीं आता देखभाल करने के लिए। ट्रक के पहिए के नीचे कुचला जाता है उनको, किसी को चिंता नहीं। हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के हर पंचायत में गौशाला हम लोग बना के देंगे। हमारे साथ एक ही कठिनाई है, हम काम सब कुछ कर लेते हैं, ये नहीं आता। आज ही मैंने कलेक्टर साहब से बात की, पहले किस्त में गुना बामोरी चाचोड़ा और रावगढ़ चारों विधानसभा की 15-15 गौशाला कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत हो चुका है। मेरे अगले दौरे के पहले कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि चारों विधानसभा में जहां जहां वो 15 गौशाला स्थापित होंगे उसकी भूमि का चयन किया जाएगा, वहां बार्ब्ड वायर फेंस लगा के रखेंगे ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि ये 15 स्थान बामोरी में, ये 15 स्थान गुना में, ये 15 स्थान चाचोड़ा में और ये 15 स्थान रावगढ़ में पहले किश्त में गौशाला कांग्रेस की सरकार के द्वारा स्थापित होने जा रहे हैं। आखिरी बात मसाला पार्क जो मैंने मावन में बनाया, यहां हमारे एक सज्जन ने जो आखिरी बोले थे
संजीव जी नहीं, संजीव जी कहा है? वही 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 रही, वही रही संजीव। इन्होंने कहा कि वो कठिनाई है, परीक्षा आप नहीं थे यहाँ, तो वो बोले थे, कह रहे थे आपके साथ भी बैठक हुई है, कठिनाई है स्पाइस पार्क में 50 करोड़ की अधोसंरचना मैंने खड़ा कर दी आप लोगों की, जरा उसमें भी आप लोग रुचि लीजिए, नहीं तो भविष्य में स्पाइस बोर्ड कहीं भी मध्य प्रदेश में स्पाइस पार्क नहीं लगाएगा। 50 करोड़ सबसे बड़ा स्पाइस पार्क पूरे देश का मैंने आप लोगों के यहां लगाया, लेकिन उसका लाभ आप लोग नहीं ले रहे। और मुझे कहा जा रहा है कि लाभ इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जो अंडरब्रिज है उसके नीचे वो बड़े ट्रक्स नहीं जाते। मैंने कल कलेक्टर साहब को, सॉरी आज सुबह कलेक्टर साहब को 2:30 बजे, आजकल मेरा रात और दिन एक ही हो रहा है, कल 2:30 बजे आखिरी मीटिंग थी, परसों 3:30 बजे सुबह, और उत्तर प्रदेश में तो 6:30 बजे सुबह हमारी आखिरी मीटिंग होती थी, रात का भोजन हमारा 5:30 बजे सुबह होता था। एक तरीके से 4 दिन के लिए मैं जैन समाज का सदस्य बन गया, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जैन समाज में खाना नहीं खाया जाता, जब तक सूर्योदय है वो, तो हमारा भोजन होता था जब सूर्योदय हो जाता। तो मैंने रेलवे विभाग से बात की है और मैंने यही बात उठाया था 6 महीने पहले कि ये कठिनाई है अंडरब्रिज का। एक तो रेल मंत्रालय अब अंडरब्रिज नहीं बनाती, प्रदेश सरकार को बनाना पड़ता है, उसका कॉस्ट 6 या 7 करोड़ रुपए आ रहा है, जो मुश्किल है करने के लिए। पर उन्होंने मुझे बताया मेजर करके, और मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो हाइट है वर्तमान की अंडरब्रिज की, उसकी हाइट सबसे बड़े ट्रक से केवल 4 इंच छोटी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ट्रक का इतना बड़ा मुद्दा कैसा हो गया, अगर सबसे बड़ा कंटेनर से 4 इंच केवल छोटा है तो कंटेनर का साइज थोड़ा छोटा ले लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि कंटेनर का साइज आधा होना चाहिए, पर फर्क केवल 4 इंच का है। तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि एक बार जाके वहां मेजरमेंट करें, आप लोगों को भी वहां बुलाएं, आपके कंटेनर का साइज और ट्रक की हाइट देख लें, अंडरब्रिज की हाइट देख लें, अगर वो ट्रक की हाइट अंडरब्रिज से ज्यादा है तो क्या उससे थोड़ा सा छोटा कंटेनर आपको मिल सकता है जिससे काम चल पाए? ऐसा तो नहीं है कि हम यहां कोई मारुति गाड़ी का उत्पादन कर रहे हैं, वो तो केवल मसाला है, तो मसाला अगर 20 फुट के कंटेनर में नहीं जा रहा है तो 18 फुट के कंटेनर में चला जाए, अगर 2 फुट के कंटेनर का फर्क है। तो एक बार आप लोग बैठ जाओ, 5 तारीख को मैं वापस आ रहा हूं, उसके पहले इस समस्या का जो वास्तविक स्थिति है उससे आप लोग भी अवगत हो जाएं, मैं भी अवगत हो जाऊं, ताकि अगर बहुत बड़ा अंतर है तो वापस मैं रेलवे के पास जाऊं, अगर बहुत बड़ा अंतर नहीं है थोड़ा छोटा कंटेनर इस्तेमाल कर लूं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।